Welcome all parents and students for today's webinar. We are from Vision Academy and myself Professor Vijay Patel. Today we are going to discuss on the most important topic, what after your 10th, right? Hello students, आपके बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद आप रिलीफ फील कर रहे हो, आपने वेकेशन भी एंजॉय किया है एंड ये मतलब दिस ईयर आपने लॉकडाउन का भी एक्सपीरियंस लिया है, बट अभी भी अगर आप आपके मार्क्स एंड रिजल्ट को लेकर अगर टेंशन ले रहे हो तो प्लीज 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 स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू चेंज योर रिजल्ट, राइट? तो सबसे पहले आप रिलैक्स एंड एनवाइन कर लीजिए, बिकॉज नाउ वी हैव एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन टू मेक अबाउट व्हाट यू वांट्स टू स्टडी नेक्स्ट. सी, टेंथ तक बोर्ड या आपकी स्कूल डिसाइड करती थी व्हाट यू हैव टू स्टडी, बट नाउ आफ्टर टेंथ यू हैव टू डिसाइड for your future studies. See, always there are two major confusions are there. First, what to select and second, how to select. What to select matlab kya select karna, to I think so uske liye hamare paas bahut sara information already available hai, but how to select iske liye hamare paas बहुत कम इन्फॉर्मेशन है. तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हाउ टू सिलेक्ट, राइट? सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज हाउ टू सिलेक्ट करियर. यस, विद द हेल्प ऑफ 3 I वी कैन सिलेक्ट अवर करियर प्रॉपरली. फर्स्ट आई इज इंटरेस्ट. यस, आपको आपके पास्ट स्टडीज एक्सपीरियंस से डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है. लाइक आप बहुत सारे नंबर ऑफ आवर्स, घंटों तक स्टडीज करने के बाद भी वो सब्जेक्ट को एंजॉय करते हो, दैट इज योर इंटरेस्ट. ओके, सो फर्स्ट आई इज इंटरेस्ट. सेकेंड आई इज इंटेलिजेंसी. इंटेलिजेंसी मीन्स जिसमें मुझे इंटरेस्ट है वो पर्टिकुलर फील्ड या सब्जेक्ट में अगर मैं प्रॉपर मार्क्स स्कोर कर रहा हूं तो वो मेरा इंटेलिजेंसी भी है, बिकॉज फर्दर स्टडीज के लिए इंटरेस्ट के साथ मार्क्स स्कोर करना भी जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, बट अगर मैं उसमें मार्क्स स्कोर नहीं कर रहा हूं मीन्स मेरा इंटेलिजेंसी लेवल उसमें कम है. सो यू हैव टू चेक इंटेलिजेंसी ऑल्सो. थर्ड थिंग, इनकम. एट द एंड ऑफ द स्टोरी एवरीवन वांट्स टू कंप्लीट पर्सनल ड्रीम्स, पेरेंट्स ड्रीम्स एंड फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी वी वांट इनकम. आपको चेक करना है कि हम जो फील्ड सिलेक्ट कर रहे क्या वो फील्ड, वो करियर मुझे फ्यूचर में इनकम जनरेट करेगा कि नहीं करेगा. सेकेंड थिंग, इनकम आपको वो भी चेक करना है कि आपका अभी फैमिली इनकम, आप जो फील्ड में जा रहे हो वो फील्ड एटलीस्ट 5-7 इयर्स तक आपको कंटिन्यू स्टडी करना होगा, तो क्या आपका फैमिली वो फी स्ट्रक्चर को, वो एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. मीन्स with the help of these 3 I, interest, intelligence and income, आपको help करेगा आपके career को select करने के लिए, right? Now your second question is how to select college. Yes, with the help of 3D. Yes, with the help of 3D we can clear how to select college. वेरी फर्स्ट थिंग इज डिग्री. आपको चेक करना है कि आप जो कॉलेज में एंटर ले रहे हो आपको आपके फ्यूचर रिक्वायर्ड डिग्री क्या वहां से प्रॉपर मिलने वाली है. सेकेंड थिंग,
क्या वो कॉलेज की डिग्री यूनिवर्सली वैलिड है कि नहीं है। तो फर्स्ट थिंग आपको चेक करना है डिग्री, सेकेंड थिंग आपको चेक करना है डिस्टेंस। यस, क्या आपका कॉलेज आपके घर से बहुत ज्यादा दूर है, चेक करना है। सेकेंड थिंग, क्या मुझे कॉलेज जाने के लिए प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जितना टाइम स्टडीज को नहीं दे उससे ज्यादा टाइम हम ट्रैवलिंग करें। तो सेकेंड थिंग आपको चेक करना है आपका डिस्टेंस। थर्ड थिंग, दोस्ती। यस, फ्रेंडशिप, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, पहले आपको चेक करना होगा कि आपके फ्रेंड्स ने वहां पे एडमिशन लिया है इसीलिए मैं वो कॉलेज में जा रहा हूं, कि सही में वो कॉलेज मुझे मेरे फ्यूचर मेरी डिग्री के लिए सूटेबल है कि नहीं है। मीन्स दिस 3D, डिग्री, डिस्टेंस एंड दोस्ती, तीनों को सूटेबल है कि नहीं है, ये तीनों के हेल्प से आप सिलेक्ट करेंगे आपकी कॉलेज। तो नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट्स। यस, विद द हेल्प ऑफ 3F यू कैन डिसाइड योर सब्जेक्ट्स। वेरी फर्स्ट F इज फेवरेट। आपको चेक करना है कि आपके सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स में से आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, बिकॉज अगर कॉलेज आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स नहीं देती है तो आपको कॉलेज डिसीजन वाला चेंज करना होगा, बिकॉज फेवरेट सब्जेक्ट आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा। सेकेंड एफ इज फ्यूचर, बिकॉज FIJC इज योर फ्यूचर। नो, बट हमारे फ्यूचर के लिए वॉट एवर वी डिसाइड, हमारे फ्यूचर के लिए कौन से सब्जेक्ट सपोर्टिव रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको याद रखना है कि आपके फ्यूचर में जो डिग्रीज को इंपॉर्टेंट दे, डिग्रीज को सपोर्ट दे, वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड एफ, यस, दैट इज योर फीस। बिकॉज आजकल बहुत सारी कॉलेज डिफरेंट सब्जेक्ट्स सिलेक्शन पे एक्स्ट्रा फीस चार्ज करती है, तो आपको ध्यान देना है कि आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, और ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद ऐसा नहीं हो कि आप उसके लिए एवरी और एक्स्ट्रा फीस पे करो। सो विद द हेल्प ऑफ दिस 3F, फेवरेट, फ्यूचर एंड फीस, यू कैन डिसाइड योर सब्जेक्ट्स। यस, विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्कशन नाउ यू कैन इजीली सिलेक्ट योर रिक्वायर्ड करियर। राइट, 10th तक ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, ये सबके आपको बेसिक्स करवाए जाते थे, बट नाउ ऑनवर्ड्स आपको आपके स्पेसिफिक स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स को ज्यादा डेप्थ में और ज्यादा फोकस से करवाए जाएंगे। राइट, नाउ क्लास 11th में हर स्ट्रीम्स में आपको काफी सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, और वो ऑप्शंस में काफी सारे सब्जेक्ट्स के भी ऑप्शंस मिलेंगे। हर सब्जेक्ट, हर स्ट्रीम अपना एक करियर पाथ के तरह लीड करता होगा। नाउ यू हैव टू डिसाइड इन अ स्पेसिफिक स्ट्रीम विच सब्जेक्ट यू हैव टू सिलेक्ट। राइट, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आप क्या करना चाहते हो, इन फ्यूचर आप क्या बनना चाहते हो, वो आपके सब्जेक्ट और आपकी स्ट्रीम डिसाइड करेगा। एंड दिस इज द राइट टाइम टू टेक डिसीजन। ओके, हर स्ट्रीम का अपना एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस होता है, बट इन एवरी स्ट्रीम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर इज योर फर्स्ट ईयर। व्हाई? बिकॉज जैसे SSC आपका डिसीजन टेकिंग ईयर था, आपने ये सब डिस्कशन के हेल्प से
कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम डिसाइड कर ली. देन आफ्टर टू इयर्स 11th and 12th अगेन आपके सिलेक्टेड स्ट्रीम में आगे आपको और नए ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, वो डिसाइड करने होंगे. एंड फर्स्ट ईयर इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इन फर्स्ट ईयर आपको न्यू सब्जेक्ट्स लर्न करने मिलेंगे. वो न्यू सब्जेक्ट्स का अपना हर एक का एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस होगा एंड वो आपके फ्यूचर सब्जेक्ट्स या फ्यूचर सिलेक्शंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. बिकॉज इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आपको जितना बेसिक मिलेगा उतना कोई ईयर्स में आपको नहीं मिलेगा. सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर को इतना स्ट्रांग आपको लर्न करना है कि उसके बाद सिलेक्ट किए हुए चॉइसेस को आप इजीली क्लियर कर पाए. फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मच ऑफ स्ट्रीम्स द हाइएस्ट सिलेक्टेड स्ट्रीम इज ऑलवेज कॉमर्स, राइट. बट पहले जैसे परसेप्शंस अभी नहीं रहे कि इतना परसेंटेज आएगा टेंथ में तो तुझे साइंस लेना है, अगर ये परसेंटेज आएंगे तो आपको आर्ट्स में जाना है, ये परसेंटेज आएंगे तो आप इंजीनियरिंग या कॉमर्स में जाएंगे. नाउ ऑल स्टूडेंट्स आर सिलेक्ट एज पर द चॉइसेस, एज पर द इंटरेस्ट. जैसे 90% above वाले भी आपको कॉमर्स में दिखेंगे एंड 40-50-60 एवरेज परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स भी आपको साइंस में दिखेंगे, राइट. एट प्रेजेंट वी डिस्कस सम ओवरव्यू ऑफ लिटल बिट पार्ट ऑफ कॉमर्स. बाकी व्हाट इज कॉमर्स, व्हाई कॉमर्स, दिस एंटायर मेजर पार्ट विल बी डिस्कस्ड एंड कवर्ड बाय अवर सेकेंड स्पीकर प्रोफेसर अल्पेश साहब. एट प्रेजेंट आई डिस्कस विथ बेसिक पार्ट ऑफ कॉमर्स, राइट. इन कॉमर्स जो फर्स्ट ईयर होता है विच इज नोन एज फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, दैट इज FYJC, राइट. इन FYJC आपके सब्जेक्ट्स को थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट ग्रुप 4 subjects है, वो 4 compulsory subjects है. फर्स्ट सब्जेक्ट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, दैट इज जनरली नोन एज अकाउंट्स. सेकेंड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स फाइनेंस रिलेटेड डिस्कशन. थर्ड OCM विच इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. एंड फोर्थ सब्जेक्ट इज इंग्लिश. दिस ऑल 4 subjects आर कंपल्सरी टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ओके. नाउ सेकेंड ग्रुप ऑप्शनल सब्जेक्ट है. देर आर 2 options. फर्स्ट मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स एंड उसके ऑप्शन में आएगा आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस. दोनों सब्जेक्ट का अपना डिफरेंट इंपॉर्टेंस है. मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, SP थियरी सब्जेक्ट है. बट लिसन केयरफुली, दिस मैथ्स इज नॉट योर स्कूल वाला मैथ्स, बिकॉज फ्रॉम लास्ट 18-20 years एक्सपीरियंस देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु ऑलवेज मिस टू सिलेक्ट मैथ्स. क्यों पता है? बिकॉज स्कूल वाले ज्योमेट्री के चक्कर में अभी का मैथ सिलेक्ट नहीं करते. बट इफ यू हैव लिटिल बिट इंटरेस्ट इन मैथ्स देन गो फॉर दिस. व्हाई? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, SP इज ऑल्सो गुड, बट थियरी सब्जेक्ट है, आपको थियरीज को रीड करते रहना है. बट मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इट इंक्लूड्स मैथ्स एंड स्टेट्स. सो ऑलवेज यू एंजॉय इन मैथ्स एंड स्टेट्स एंड आफ्टर 12th आपके फर्दर स्टडीज में भी आपको हेल्प करेगा, राइट. नाउ थर्ड ऑप्शन है सब्जेक्ट का, थर्ड ऑप्शन ग्रुप इज लैंग्वेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड IT. लैंग्वेज इसमें आप आपके स्कूल बेसिस के रेगुलर लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो. इट मे बी हिंदी मराठी और वॉट एवर यू वॉन्ट. बट नाउअडेज मेनी कॉलेजेस सी दे आर ऑफरिंग फॉरेन लैंग्वेज ऑल्सो, फ्रेंच जर्मन, एंड इट इज बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ योर कॉलेज. तो आप
लैंग्वेज इसमें रेगुलर लैंग्वेज इसके साथ फॉरेन लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो और आइदर यू कैन गो फॉर द सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राइट. दिस आर द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट इन योर फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज इन कॉमर्स. नाउ सेकेंड ईयर इज SYJC. सब्जेक्ट्स आर सेम एज इन द फर्स्ट ईयर बट बिफोर वी डिस्कस ऑन 12th स्टैंडर्ड वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन FYJC बिकॉज एवरीवन नोस 9th इज द बेस ऑफ SSC. सेम एज FYJC इज द ओनली बेस ऑफ 12th. इफ यू वॉन्ट टू स्कोर हाई परसेंटेज इन 12th स्टैंडर्ड इफ यू वॉन्ट टू सिलेक्ट सम प्रायोरिटी थिंग्स आफ्टर 12th तो आपको 12th में स्कोर करना होगा एंड 12th में स्कोर करने के लिए आपको फोकस करना होगा आपके 11th पे. सो डोंट टेक इट लाइटली. आपका 11th इतना 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 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. एंड अनदर थिंग प्लीज प्रॉपर गाइडेंस इसीलिए लेना जरूरी होता है बिकॉज अगर आपके पास FYJC का बेस वीक हो गया तो आने वाले जितने भी ईयर्स है वो आपके लिए वीक रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है एवरीवन नोज तो जितना मेरा बिल्डिंग का हाई राइज होते जाएगा हाइट ज्यादा जाते जाएगा उतना मेरा बेस स्ट्रांग होना जरूरी है. सो यू कैन सिलेक्ट एनी स्ट्रीम बट आपका फर्स्ट ईयर सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर ही ऐसा होता है जो आपको आपके फ्यूचर ईयर्स का बेस स्ट्रांग करवाएगा राइट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज वेबिनार इज कॉमर्स ओरिएंटेशन. सो इन दिस पार्ट वी डिस्कस व्हाट इज कॉमर्स व्हाई कॉमर्स एंड स्कोप एंड फ्यूचर इन कॉमर्स एंड दिस पार्ट इज कंडक्टेड बाय प्रोफेसर अल्पेश सर. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? फाइन, ऑल राइट, ओके, इंजॉय द वेकेशन. या गुड एंड वेकेशन फॉर ऑल. इन फैक्ट माइसेल्फ प्रोफेसर अल्पेश शाह फ्रॉम विजन एकेडमी ऑफ कॉमर्स मलाड ईस्ट वी चेन लैब्स. वी आर इन मलाड एट हाजी बापू रोड 5 मिनट्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन अपोजिट मलाड ईस्ट रेलवे स्टेशन रानी सती रोड एंड दिस ईयर फ्रॉम दिस ईयर वी आर इन कुरार विलेज ऑल्सो. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. थैंक यू. थैंक्स यू. ओके गाइज, टुडे वी आर हियर, टुडे आई एम हियर टू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू मेनली फॉर क्लास 11th. Those who have at present given the SSC exam, मतलब standard 10th exam, from any board whatsoever, state board, or from ICSE, or CBSE, or IGCSE board, or else, this is for you guys, this is for you. Okay? See, this is guys, this is our commerce orientation program. This is our कॉमर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम. सर ये क्या होता है? सर ये कॉमर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सी एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल कम टू नो व्हाट इज कॉमर्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स, व्हाट आर द स्कोप ऑफ कॉमर्स एंड व्हाट इज माय करियर इन कॉमर्स. It is my humble request to all of you that please end तक ये video देखिए. Even if you have already planned to take anything, whatever आपने सोचा है पहले से, कुछ भी लेना सोचा है बेटा, but still you listen this video well. आप ये video को बेटा ध्यान से सुनिए और जितना हो सके उतना लोगों को आप शेयर करें. ठीक है गाइस,
तो लेट्स सी व्हाट इज कॉमर्स। ठीक है, तो देखते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कॉमर्स? ओके, सी द सिंपल मीनिंग ऑफ कॉमर्स। मैं आपको बहुत सिंपल मीनिंग बताऊंगा कॉमर्स का, बहुत सिंपल मीनिंग, कि कॉमर्स मीन्स नथिंग, कॉमर्स इज नथिंग बट अ बिजनेस। कॉमर्स इज नथिंग बट अ बिजनेस। सब लोग जानते हैं व्हाट इज बिजनेस, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज बिजनेस। सबको पता है बिजनेस क्या होता है। क्या होता है बेटा बिजनेस? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ बिजनेस। मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ कॉमर्स? द वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ कॉमर्स इज अ बिजनेस। एंड बिजनेस क्या होता है? कुछ खरीदना, कुछ बेचना, कुछ खरीदना, कुछ बेचना, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, बराबर है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं बिजनेस को, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज नथिंग बट अ ट्रेड, बिजनेस। नाउ देर आर हाउ मेनी वेज टू अर्न मनी? इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आप करते हो, एज यू नो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट जनरेट एनी इनकम, इट जनरेट सेटिस्फेक्शन इन द हार्ट, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट इनकम। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, मतलब पैसे कमाने के कितने तरीके, देयर आर हाउ मेनी वेज टू अर्न मनी। नंबर वन एम्प्लॉयमेंट, नंबर टू प्रोफेशन, एंड नंबर थ्री इज अ बिजनेस। नंबर वन एम्प्लॉयमेंट, नंबर टू प्रोफेशन, एंड नंबर थ्री इज अ बिजनेस। वापस से बोलो चलो आप लोग, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, बिजनेस। ठीक है सर, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट इज नथिंग बट अ जॉब। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट इज नथिंग बट अ जॉब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नौकरी। क्या बोलते हैं? नौकरी, बराबर है। जहां पे पर्सन क्या होता है, पर्सन सर्वेंट होता है, बराबर है, यस, के मास्टर होता है, सर्वेंट होता है, मतलब वहां पे नौकर की तरह करना है, उसको बोलते हैं नौकरी, दैट इज जॉब, दैट इज जॉब। ओके, सेकेंड बेटा आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन कैरिड ऑन ओनली बाय द प्रोफेशनल पीपल। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन कैरिड ऑन ओनली बाय द प्रोफेशनल पीपल। ओके, प्रोफेशनल पीपल लाइक द डॉक्टर्स, ओके, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ओके, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, ओके, स्पेशलाइज्ड इन देयर सब्जेक्ट। तो ये प्रोफेशन में बेटा क्या होता है कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी लाइन का बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज होता है। डॉक्टर मास्टर इन साइंस एंड मेडिसिन, चार्टर्ड अकाउंटेंट मास्टर इन अकाउंटिंग एंड टैक्स, कॉस्ट अकाउंटेंट मास्टर इन कॉस्टिंग एंड टैक्स, कंपनी सेक्रेटरी मास्टर इन लॉस, इवन लॉयर ऑल्सो, ओके, प्रोफेसर टीचर्स दे आर मास्टर इन देयर सब्जेक्ट, यस और नो, इंजीनियर दे आर मास्टर इन देयर लाइन। इट मीन्स कि ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है कि जहां पे सॉरी ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है कि जहां पे पर्सन को पर्टिकुलर लाइन का सॉलिड नॉलेज होता है, अपने नॉलेज का बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उसमें से पैसे अर्जित करते, दे अर्न मनी फ्रॉम देयर नॉलेज, दे आर अप्लाइंग द नॉलेज। एंड द थर्ड वन इज कम्स टू अ बिजनेस। एंड द लास्ट वन जो तीसरा आता है, वो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है बताए बेटा? बिजनेस आता है। बिजनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ बिजनेस। ओके फ्रेंड्स, तो यू नो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बिजनेस, यू नो बेटा बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज पता है आपको क्या होता है? बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड,
no particular education qualification required for business. कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है इसको. अगर आप सोचो इतने साल के इतिहास में कि जिन लोगों का एजुकेशन लेवल बहुत ही कम था, जीरो था या तो बहुत लो था, अगर वो लोगों ने भी अगर बढ़िया बिजनेस किया हो, जबरदस्त बिजनेस किया हो, तो आप जो इस देश का जबरदस्त फ्यूचर है एजुकेशन लेके, सोचो आप कितना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं. अंडरस्टैंड, ये देश में करोड़ों लोगों ने जीरो एजुकेशन लेके और वेरी लो एजुकेशन के साथ में भी अगर बिजनेस में झंडे अगर गाड़ के रखे हैं, तो क्या आप अच्छा एजुकेशन लेके क्या आप जबरदस्त बिजनेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं. सोचो इसके ऊपर, कर सकते हैं. यस यू कैन. अंडरस्टैंड, तो वापिस से मैं गोल घूम फिर के वहीं पे आ रहा हूं. कॉमर्स मीन्स अ बिजनेस एंड बिजनेस मीन्स अ कॉमर्स. इट्स अ वन ब्रांच बट स्टिल आई से कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस होता है और बिजनेस का सिंपल मीनिंग होता है कॉमर्स होता है. ठीक है, तो व्हाट वी से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर है? ओके ओके. नाउ सी लिसन, मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा, कुछ फैक्ट बताऊंगा और ये प्रूव करूंगा, वी विल प्रूव इट एट प्रेजेंट कि लो लेवल एजुकेशन है तो भी बिजनेस हुआ है, हाई लेवल एजुकेशन है तो भी बिजनेस हुआ है, मीडियम लेवल एजुकेशन है तो भी बिजनेस हुआ है. ओके, चलो थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं. कितने लोगों को देखो, एक एक एक, एक बात है, एक बात मुझे आपको बतानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा. आज तक कभी आपने ऐसा सुना कि किसी ने जॉब किया और उसका नाम पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हो गया? ऐसा सुना आपने? और अगर सुना होगा तो ओनली 0.1% भी नहीं होगा वो कि किसी ने जॉब किया और वो बहुत फेमस हो गया. लेकिन किसी ने बिजनेस किया और वो फेमस हो गया, ये सुना है? ये तो हमने हमेशा सुना है. ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द लीजेंड ऑफ इंडिया, मिस्टर धीरूभाई अंबानी. ओके, धीरूभाई अंबानी बॉर्न इन गुजरात, बराबर है? इंडिया, हमारे कंट्री में. अब उनका एजुकेशन लेवल वेरी लो. ओके, एसएससी भी थे वो? नो, बट रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री बिलोंग्स टू मिस्टर धीरूभाई अंबानी. आज मिस्टर मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, मेनली मुकेश अंबानी जो रिलायंस चला रहे, ओके, देयर एमबीए, बट देयर फादर द फाउंडर ऑफ रिलायंस, व्हाट इज एजुकेशन? वेरी लो एजुकेशन. तो यहां पे प्रूव होता है कि वेरी लो एजुकेशन में भी क्या हुआ, रिलायंस आज करोड़ों की कंपनी है, अरबों की कंपनी है. यस ओके, लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल. आई टेक एन एग्जांपल ऑफ बिल गेट्स. बिल गेट्स, ओके, ग्रेजुएट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. बिल गेट एजुकेशन इज ग्रेजुएट, दे आर नॉट प्रोफेशनल, दे आर ग्रेजुएट, बट दे आर द ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, दे आर द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन यूएसए, दे आर बिलोंग्स टू यूएसए. व्हाट वी से, मीडियम एजुकेशन टॉप बिजनेस. एंड आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ कुमार मंगलम बिरला ऑल्सो. ऑल ऑफ यू नो आदित्य बिरला ग्रुप. कुमार मंगलम बिरला बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, वेरी रिच फैमिली. पहले से ही पता था कि हमें बिजनेस ही करना है, बट स्टिल उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री कंप्लीट किया, दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो हियर इट प्रूव्स कि जिसका एजुकेशन लेवल कम हो वो भी बिजनेस कर सकता है, जिसका एजुकेशन लेवल मीडियम हो वो भी बिजनेस कर सकता है, और जिसका एजुकेशन लेवल हाई हो वो भी बिजनेस कर सकता है. इसीलिए बिजनेस क्या है बेटा, महान हो गया. बिजनेस करके किसी का नाम फेमस हुआ आपने सुना, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, जॉब करके किसी का नाम फेमस हुआ वो आपने सुना? नहीं सुना. अंडरस्टैंड, सो दैट इज व्हाई आई डोंट से, मेरा मतलब कतई ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट खराब होता है, मैंने ऐसा नहीं बोला. जॉब भी अच्छा ही होता है, ओके,
आपको अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपने स्टार्टिंग में समझो जॉब किया तो बुरा नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग। और कई बार मैं ये हमेशा मैं बोलता हूँ जब स्टूडेंट को हम लोग समझाते कि एक अच्छा बिजनेसमैन पास्ट में एक अच्छा एम्प्लॉई भी होता है, या तो आप उल्टा बोलो, एक अच्छा एम्प्लॉई फ्यूचर में एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। अंडरस्टैंड? दूसरा मैंने बताया था प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन कैरिड ऑन बाय द प्रोफेशनल पीपल। अगर इन तीनों में अगर आपको सॉलिड में सॉलिड नॉलेज चाहिए तो वो प्रोफेशन में चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन अगर आपको चलाना है तो आपको वो लाइन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, यू नीड एकदम जबरदस्त नॉलेज आपको चाहिए, देन ओनली यू कैन स्टार्ट दैट, अदरवाइज आप वो नहीं कर सकते स्टार्ट। ओके सो मैं यहां पे बेटा प्रूव करना चाहता हूं, मैं यहां पे प्रूव कर रहा हूं कि कॉमर्स फील्ड इज वेरी वास्ट, कॉमर्स फील्ड बहुत ही वास्ट है और इतिहास गवाह है कि कॉमर्स फील्ड हैज प्रोड्यूस्ड अनलिमिटेड, यू कैन से कॉमर्स फील्ड हैज प्रोड्यूस्ड अनकाउंटेड प्रोफेशनल्स। कॉमर्स फील्ड करके हजारों लाखों करोड़ों उससे भी ज्यादा प्रोफेशनल क्रिएट हो चुके हैं, बिजनेसेस कर चुके हैं, बिजनेस में महान हो चुके हैं और वो वही लेगेसी आगे भी लोगों को दे चुके हैं। सी द बिगेस्ट थिंग, बिजनेस की सबसे बड़ी एक और खासियत होती है, पता है आपको बिजनेस की सबसे बड़ी एक खासियत क्या होती है? सी, अगर एक व्यक्ति, समझ लो बेटा, अगर कोई एक व्यक्ति बहुत ही बड़ी पोजीशन पे है जॉब में, बहुत ही बड़ी पोजीशन पे है, लेट्स से सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड देयर ईयरली पैकेज इज से 50 लाख, और ईयरली पैकेज है समझ लो कि उनका 50 लाख है। मुझे एक बात बताओ, जो दिन वो पर्सन का डेथ हो जाएगा, क्या उनके लड़के को, मतलब क्या उनके कोई भी बच्चे को, सन को या डॉटर को, क्या सेम पोजीशन मिलेगी वही कंपनी में? सीईओ की पोजीशन मिलेगी, सेम सैलरी में उनको वही कंपनी में पोस्ट मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप भी जानते हो उसका मतलब, समझे? आप जॉब के अंदर कितनी भी अच्छी पोजीशन में पहुंच चुके हो, लेकिन बेटा होता क्या है, होता ये है कि वो आगे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। बिजनेस के अंदर क्या होता है कि आपने अगर समझ लो कि एक बिजनेस को 5 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचा दिया कोई भी व्यक्ति ने, 2 करोड़ के, चलो ना लेट्स से एग्जांपल ऑफ 2 करोड़, 2 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचा दिया, अच्छे नंबर ऑफ कस्टमर क्रिएट कर चुके हैं। अब जो मेन ओनर है समझ लो उनका डेथ हो जाता है, क्या उनके घर का कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति वही बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करना होगा कि वहीं से स्टार्ट करेंगे? सर वहीं से स्टार्ट करेंगे, 2 करोड़ से, क्योंकि बिजनेस है वो लेगेसी में ट्रांसफर होता है। मैं वापस से दोहरा रहा हूं बेटा, मैं जॉब को यहां पे खराब बताने के लिए हूं, नो, जॉब अच्छा होता है, बढ़िया होता है, स्टेबल इनकम होती है, लेकिन मैं कॉमर्स के बारे में बोल रहा हूं, तो कॉमर्स मीन्स अ बिजनेस, दैट इज वाई मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों कॉमर्स महान है, क्यों बिजनेस महान है, वाई बिजनेस इज सो स्ट्रांग, वाई बिजनेस हैज अ मोर इम्पोर्टेंस, दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि जिसकी वजह से बिजनेस बाकी दोनों लाइन से अलग होता है थोड़ा, ठीक है? चलो अब हम देखेंगे कि कॉमर्स का स्कोप क्या होता है, व्हाट आर द कॉमर्स स्कोप, बराबर है, क्योंकि हमको पता चलना चाहिए कि सर कॉमर्स कहाँ कहाँ है। अगर मैं बोलूँ ना हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो कॉमर्स हर जगह पे है, जैसे हम बोलते हैं भगवान हर जगह पे, तो कॉमर्स हर जगह पे है, अत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह पे आपको कॉमर्स मिलेगा, आपके आपके घर के अंदर भी आपको कॉमर्स मिलेगा। लेट्स टेक नंबर 1, जब कोई भी कंपनी कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करती है,
उसमें होता है कॉमर्स। ये हो गया प्रोडक्शन। जब कोई भी कंपनी कोई सर्विस जनरेट करती है, कोई भी कंपनी सर्विस जनरेट करती है, सर्विस बनाती है, प्रोड्यूस करती है, तो उसमें होता है कॉमर्स। जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन यूटिलिटी, कैसे प्रोडक्शन हुआ, क्या रॉ मटेरियल यूज किया, कितने वाला रॉ मटेरियल आया, ये हर सवालों के जवाब में कहीं ना कहीं कॉमर्स छुपा हुआ। यस, उसके हिसाब किताब के अंदर भी कॉमर्स छुपा हुआ है। ये ले कि वो ले, ये रॉ मटेरियल परचेस करे कि वो परचेस करे, बराबर है, ये मार्केट में माल बेचे कि वो मार्केट में माल बेचे, ये भी एक कॉमर्स है। तो प्रोडक्शन में कॉमर्स आता है। दूसरा, जब यही माल, यही गुड्स और यही सर्विस लोगों तक पहुंचाई जाती है तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी चेन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा चैनल बोलते हैं। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है, एक जगह पे जहां पे माल बनता है, वहां से जहां पे माल जाता है, वो हर डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया, हर डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी चैनल है, वो भी एक कॉमर्स है। अंडरस्टैंड, प्रोडक्शन में कॉमर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन में कॉमर्स है। अब बेटा, ये सभी चीजों का अकाउंट तो करना ही पड़ेगा, इन सभी चीजों का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। आपको अगर पूरे एक साल के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हिसाब किताब रखना पड़ेगा। प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, आपकी कोई पर्टिकुलर डे को फाइनेंशियल कंडीशन आपकी पता चलेगी, बराबर है, इसमें भी कॉमर्स है, क्योंकि ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग है, इसमें भी कॉमर्स आता है। अंडरस्टैंड, तो कॉमर्स प्रोडक्शन में भी है, कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, कॉमर्स अकाउंटिंग में भी है। ओके, दैट इज व्हाई अकाउंट्स इज अ बिग बिग पार्ट ऑफ कॉमर्स। और इसमें बेटा सब आ जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आ जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आ जाता है। देयर आर थ्री ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, आपके घर में आपके फादर या मदर या दोनों, दे आर अर्निंग मनी बाय अप्लाइंग व्हाटएवर, कोई भी ऑक्यूपेशन करते वो लोग और पैसे कमाते हैं। लेकिन हमारे सबकी जो अर्निंग है वो बेटा कैसी है, लिमिटेड है। तो वो लिमिटेड अर्निंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लिमिटेड अर्निंग के अंदर हम लोग इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं ताकि हम लोगों को बहुत मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। दिस इज एन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारे देश में जितने भी रिसोर्सिस अवेलेबल है और जितना भी लोगों को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये जो पूरी चैनल है ये भी एक इकोनॉमिक्स है। अंडरस्टैंड, तो ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स कहां होता है, वो भी कॉमर्स में होता है। अंडरस्टैंड, देश का पूरा इकोनॉमी कैसे चल रहा है, हमारा देश कैसे चलता है, सरकार को इनकम कहां से होती है, सरकार खर्चे कहां से करता है, टैक्सेशन सिस्टम क्या होती है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अंडरस्टैंड, तो ये क्या है, कॉमर्स है। एक कंपनी सेक्रेटरी काम कैसे करता है, ऑर्गेनाइज कैसे होता है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कैसे, यूटिलिटीज क्रिएट करती है, क्या है ये, कॉमर्स है। कण कण में बसा हुआ है कॉमर्स। अंडरस्टैंड, ओके। तो मैंने जैसे बताया कि आपके घर के अंदर आपके फादर मदर या दोनों जन कमाते हैं, मुझे इतना बताओ, शायद आपको बेटा ना बताओ पर आप पूछ लो, क्या आपके पेरेंट्स कोई बजट बनाते हैं? यस, वो लोग बजट बनाते हैं। अगर आपके पेरेंट्स बजट बनाते हैं ईयर की 5 लाख 10 लाख 20 लाख की इनकम में, अगर प्लानिंग करना पड़ता है, आपके एजुकेशन का एक्सपेंस है, हेल्थ का एक्सपेंस है, बराबर हाउस होल्ड एक्सपेंस है, बराबर है, ये सारे के सारे जितने हमारे एक्सपेंस होते हैं, डेली रूटीन वाले एक्सपेंस है, उसके लिए एक बजट बनाना पड़ता है। तो वो बजट क्यों बनाना पड़ता है, बिकॉज वी ऑल हैव लिमिटेड इनकम, हमारे इनकम के जो स्रोत है, सोर्सेस है, वो लिमिटेड है। एग्जैक्टली बेटा, हमारा क्या कंट्री भी बजट बनाता है? यस, एवरी फेब्रुआरी हमारे कंट्री में बजट पेश होता है। यस,
आने वाले साल के लिए पहले से बजट क्या होता है बन जाता है, और बजट के अंदर एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस होता है. दिस इज इकोनॉमिक्स एंड दिस इज ऑल्सो कॉमर्स. अंडरस्टैंड? तो ये भी कॉमर्स है. कॉमर्स प्रोडक्शन में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है. अंडरस्टैंड? कॉमर्स ट्रांसपोर्ट में है, कम्युनिकेशन में है, बैंकिंग में है, बजट बनाने में कॉमर्स है. तो कॉमर्स तो हर जगह पे है. आप कोई एक ऐसा एरिया मुझे बता सकते हो कि जहां पे कॉमर्स नहीं होगा? नहीं बता सकते बेटा, क्योंकि कॉमर्स हर जगह पे है. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स. ओके, ठीक है बच्चा लोग, आई टेक एन एग्जांपल. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, और एक एग्जांपल लेके, सिंपल एग्जांपल बेटा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है. एक बिजनेसमैन है, देखो छोटा बिजनेसमैन है कि बड़ा बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस चालू किया है और बिजनेस के अंदर उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं 5 लाख रुपया, ठीक है. ये इन्वेस्टेड हाउ मच? 5 लाख रुपीज इन द बिजनेस. 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया. अब क्या हुआ कि 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके उसने छोटा मोटा कुछ असेट परचेस किया, संपत्ति बोलते उसको, असेट परचेस किया. उसके बाद में उसने कुछ खर्चा किया, रॉ मटेरियल खरीदा, और उसके बाद में उसने माल बनाना चालू किया, गुड्स बनाना चालू किया. अब एग्जांपल समझ लो खाली. अब उसका टोटल खर्चा कुछ हुआ 3-3.5 लाख, बराबर है. 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था. अब धीरे 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 क्या हो रहा है, उसने माल बेचना भी चालू किया. उसने 2-4 आदमी लोग भी रखे, उनको भी पगार नक्की किया, उनका भी सैलरी नक्की किया, बराबर है. अब क्या हुआ, स्लोली ग्रेजुअली उसका बिजनेस बढ़ते गया, मतलब क्या हुआ, सेल होते गया, धीरे 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 सेल होते गया. और उसने कभी भी ये चेक नहीं किया कि एक्चुअली पैसे कितने आ रहे और कितने जा रहे. और फाइनली पता चला एक 6-8 महीने के बाद कि अब तो पैसे दिख ही नहीं रहे, पैसे है ही नहीं, क्योंकि जो पैसे आ रहे वो खर्चे में पूरे चले जाते, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है. तो ये कब हुआ, जब उसने ये उसको पता चला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं रहते, तो उसका मतलब है कि उसको हर महीने उसका हिसाब किताब लिखना चाहिए था. अगर वो हर महीने लिखता तो उसको पता चलता कि ये महीने में मेरा इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, ये महीने में मेरा इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, तो ये नौबत नहीं आती. तो शायद ये 6-8 महीने बाद जो परिस्थिति हुई, जो सिचुएशन हो गई, वो शायद नहीं होती. तो उसका मतलब है कि क्या हिसाब किताब जरूरी है बिजनेस के अंदर? यस, वही उधर ही और एक एग्जाम्पल है. उसी एग्जाम्पल में अगर हम आगे बढ़ेंगे कि समझ लो उसने पूरा 1 साल कंप्लीट किया, उसका सेल काफी अच्छा हो गया, और उसने क्या किया, उसको पता चला कि भाई उसके टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस लेस किया, और समझ लो कि वो कुछ पैसे कमाया, वो समझ लो 2-5 लाख रुपया कुछ कमा गया, और वो पैसे के ऊपर से उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा. मतलब कि उसने टैक्स डिटरमाइन किया कि मुझे कितना टैक्स भरना है, ओके, और उसने वो टैक्स भरा भी, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उसने टैक्स भरा. मेरा सवाल है, क्या वो टैक्स उसकी इनकम है? नहीं, वो टैक्स सरकार की इनकम है. तो गवर्नमेंट को वो इनकम कब हुई, जब वो पर्सन, वो बिजनेसमैन ने क्या लिखा, अकाउंट्स लिखा, वो पर्सन ने हिसाब किताब लिखा, रॉ मटेरियल कितने में आ रहा है, बराबर, एम्प्लॉयियों को कितना पगार दे रहे हम लोग, बाकी खर्चा कितना हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, सेल के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, और फाइनली उसको पता चला साल के अंत में कि उसका सेल ज्यादा है, मतलब इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो उसको प्रॉफिट हुआ, और वही प्रॉफिट के बेस के ऊपर उसने कुछ अमाउंट का टैक्स सरकार को भरा. क्या हुआ, तो उसको टैक्स पता चला, उसने अकाउंट्स लिखा, हिसाब किताब लिखा, तो पता चला. क्या है ये? कॉमर्स. अगर ये कॉमर्स नहीं होता तो पता कैसे चलता कितना अमाउंट सरकार को एज अ टैक्स पे करना है? मैंने एक व्यक्ति का एग्जांपल लिया.
आप पूरे भारत देश में, हमारे पूरे कंट्री में करोड़ों बिजनेसमैन हैं, सारों का ऐसा एग्जांपल लेके उनका मल्टीप्लाई बाय एक एवरेज टैक्स करेंगे तो वही सरकार की इनकम होती है। तो सरकार को, गवर्नमेंट को कितनी इनकम होती है वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड है, और आपका जो बिजनेस है वो जो कैलकुलेशन करता है, जो अकाउंटिंग करता है, वही आपका कॉमर्स है। तो उसका मतलब क्या हुआ, क्या कॉमर्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है? यस, इम्पोर्टेंट है, कॉमर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। एक लिमिटेड इनकम में से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हमें लेना, वो हमें सिखाता है कॉमर्स। डिस्ट्रीब्यूशन की चेन है कॉमर्स, प्रोडक्शन की जान है कॉमर्स, अकाउंट्स की आन बान शान है कॉमर्स, और इस देश की सबसे 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 बड़ी लाइन है कॉमर्स। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ तो कॉमर्स का बेटा ये इंपॉर्टेंस है। और एक बंदा, एक एक बात बेटा ध्यान में रखना हमेशा, कि कॉमर्स कभी भी बंद नहीं होता है। मैक्सिमम मैक्सिमम ये कंट्री की जो कुछ भी इकोनॉमी है वो हर जगह पे आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम दर्शन किसके होंगे, कॉमर्स के ही होंगे। ठीक है, ओके। एंड इवन आफ्टर एसएससी आल्सो, जब बच्चे अपना करियर सिलेक्ट करते हैं तो करियर सिलेक्ट करते टाइम भी मैक्सिमम बच्चे कहाँ पे होते हैं, कॉमर्स में होते हैं। अब मैं आपको और एक बात बता देता हूँ कि जब भी आप करियर सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे विजय सर ने आपको 11th और 12th के बारे में बहुत सारी माहिती, बहुत सारा डिटेल्स दे दिया, दे हैव ऑलरेडी गिवन अ बिग इन्फॉर्मेशन। मैं खाली इतना बोलूंगा कि जब 11th और 12th की बात आती है, ओके, 11th और 12th, तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि मुझे है ना कम परसेंटेज आएगा तो मैं कॉमर्स लूंगा, ज्यादा परसेंटेज अगर 10th में आ गया तो मैं साइंस लूंगा, इंजीनियरिंग लूंगा। वो एक पहले का दौर था कि जहां पे ये सोच हुआ करती थी, जब दिमाग के अंदर ऐसा था कि भाई कॉमर्स के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स नहीं है, कॉमर्स का स्कोप बहुत कम है। ओके, मैंने कॉमर्स किया है, मैं कॉमर्स का बंदा हूं, दैट इज वाई मैं कॉमर्स का अच्छा बोल रहा हूं, नो। मैंने कॉमर्स में प्रोफेशनल किया है, दैट इज वाई मैं बोल रहा हूं, नो। मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो हकीकत है आप देख सकते हो, ओके, अपनी आंखों से बराबर से देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो वो जो था पहले, सालों पहले माइंड में था कि कम परसेंटेज आए तो कॉमर्स लेने का, ज्यादा परसेंटेज आए तो कॉमर्स नहीं लेने का। और ज्यादा परसेंटेज आने के बाद में अगर कोई बंदा पहले कॉमर्स लेता तो लोगों को लगता कि पागल हो गया है यार, एक पागल है, पक्का पागल है, कि ज्यादा अच्छा परसेंटेज है तो कॉमर्स थोड़ी लेना होता। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, कि अब अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टॉप के जो परसेंटेज है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं। मतलब मैक्सिमम जो आगे के परसेंटेज है, 95%, 94%, 93, वो 90 जो है उसमें से कॉमर्स लेने वालों की तादाद बढ़ चुकी है, कॉमर्स लेने वालों के नंबर्स बढ़ चुके हैं। बिकॉज कि उन लोगों को बहुत इजी स्टडी करना है, सॉरी, कॉमर्स भी इजी नहीं है। कॉमर्स भी एक एक आर्ट है, हाउ टू स्टडी कॉमर्स। कॉमर्स बहुत डीप में है, इसको भी अच्छे से स्टडी करेंगे तो बहुत आगे निकल सकते हैं। तो ये बात जूनी हो गई कि कॉमर्स इज नो स्कोप, कॉमर्स इज अ वाइड स्कोप। सबसे वाइडेस्ट में वाइडेस्ट स्कोप अगर किसी का है तो वो कॉमर्स का है। ठीक है, ओके, चलो 11, 12 का तो आपने नॉलेज गेन कर लिया, कैसे कॉलेज सिलेक्ट करना, कैसे लाइन सिलेक्ट करना, वो सब कुछ हो गया बेटा, एवरीथिंग। लेकिन आज मैं आपको बेस जो बना लिया विजय सर ने, अब उसके ऊपर हम बहुत बड़ी इमारत खड़ी करेंगे, विल बिल्ड अ बिग बिल्डिंग। आप 11th और 12th जब आप कॉमर्स में करते हो तो क्यों करते हो, जब कोई भी बंदा बेटा कॉमर्स करता है, कोई भी बंदा कॉमर्स लेता है तो उसका सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि मैं कॉमर्स ले रहा हूं तो मेरा ड्रीम है मैं कॉमर्स में प्रोफेशनल बनूं, मेरा ड्रीम है मैं कॉमर्स में प्रोफेशनल बनूं। तो कॉमर्स में प्रोफेशनल किस तरीके से बनाया जा सकता है, और मैं प्रूव भी करने वाला हूं कि क्यों कॉमर्स का प्रोफेशनल, एक बेस्ट प्रोफेशनल होता है, मैं प्रूव भी करने वाला हूं।
एक 5 मिनट में प्रूव कर देंगे हम लोग। नाउ जब भी आप 12th की एग्जाम देते हो, 11th की एग्जाम आपकी अगले साल फाइनल एग्जाम आएगी, फाइनल एग्जाम खाली मैं बोल रहा हूं मार्च 2021 या तो अप्रैल 2021, आपका एग्जाम आएगा 12th का मार्च और अप्रैल 2022। जैसे ही आपका 12th का एग्जाम कंप्लीट होता है उसके बाद में आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो। 12th के बाद में कॉमर्स प्रोफेशनल डिग्री आप अडॉप्ट कर सकते हो, चालू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, बिगेन कर सकते हो। बहुत सालों पहले बच्चे ये नहीं सोचते थे, आज ये सोचना बहुत जरूरी है बेटा। ग्रेजुएशन करने के बाद में आप करेंगे उससे बेटर होता है कि आप कहीं से करो, आप 12th के बाद करो। कॉमर्स का आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। देखो अभी आपने 12th किया तो आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है। देखो आप एक ऑप्शन है कि आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। ग्रेजुएशन में भी बेटा बहुत सारी अलग अलग लाइन है। पहले ग्रेजुएशन में खाली बीकॉम हुआ करता था, आज ग्रेजुएशन के अंदर हमारे पास बहुत बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप बीकॉम कर सकते हो विथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। नंबर टू आप बीकॉम बैफ से कर सकते हो, बैफ, उसको बैफ बोलते हैं, दैट इज ग्रेजुएशन विथ स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। आप ग्रेजुएशन कर सकते हो BBI से कर सकते हो, स्पेशलिटी है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। आप कर सकते हो उसके बाद BMS से कर सकते हो, योर ग्रेजुएशन विथ मैनेजमेंट स्टडीज, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी कर सकते हो, BFM बोलते हो उसको, ग्रेजुएशन विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यू हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शन। लेकिन ये सारे के सारे जो है ना वो बेटा खाली ग्रेजुएशन है, सब स्पेशलिस्ट है लेकिन फिर भी उसको ग्रेजुएशन ही बोलते, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल डिग्री। अब अगर कॉमर्स में प्रोफेशनल डिग्री की बात करेंगे तो देर आर थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल डिग्री। नंबर वन CA, नंबर टू CS, नंबर थ्री CMA, नंबर फोर CFA। लेकिन तीन सबसे बड़ी डिग्री है CA, CMA और CS। CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, CS कंपनी सेक्रेटरीशिप, और जो मैंने चौथा बताया CFA वो है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ओके, तो एज आई टोल्ड यू दैट कॉमर्स एज द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल डिग्रीज, प्रोफेशनल डिग्रीज, नंबर वन CA, नंबर टू CMA, नंबर थ्री CS एंड नंबर फोर CFA। CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी, नंबर टू CMA इज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, नंबर थ्री इज अ CS कंपनी सेक्रेटरीशिप एंड नंबर फोर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ओके ठीक है। नाउ सी व्हाई वी आर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन टू प्रूव दैट कॉमर्स हैज अ पावर एंड कॉमर्स हैज अ अर्निंग पोटेंशियल ऑल्सो। ओके, पहले बेटा एक बिलीव हुआ करता था कि कॉमर्स के अंदर वो इनकम पोटेंशियल नहीं है, कॉमर्स के अंदर वो सेक्शंस नहीं है, कॉमर्स का वो स्कोप नहीं है। नो, इट्स रॉन्ग। इट हैज अ ग्रेट पोटेंशियल, अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। ठीक है, चलो ओके। तो नंबर वन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये सबके सब प्रोफेशनल कोर्स है। हाँ, सबके सब प्रोफेशनल कोर्स है। ओके, नंबर वन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इंडिया में CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी कौन करवाता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। ओनली वन इंस्टीट्यूट, खाली एक ही इंस्टीट्यूट है जो CA करवाता है। ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ऑल इंडिया सेम एग्जाम, और इंडिया के बाहर भी कुछ कंट्रियों के अंदर भी सेम एग्जाम रहती है। ठीक है, ओके, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। 60 से 70 ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट है। ओके, उसका इंपॉर्टेंस पहले भी था, आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। जब बच्चा ये जो CA का कोर्स है बेटा, वो आप 12th के बाद भी कर सकते हो। यू कैन ऑप्ट आफ्टर 12th ऑल्सो,
एंड आफ्टर टी वाई मतलब ग्रेजुएशन ऑल्सो वॉट इज बेटर आफ्टर ट्वेल्थ. इफ यू डू आफ्टर ट्वेल्थ देन यू नो बिगेस्ट एडवांटेज यू सेव योर टाइम ओके यू सेव योर मनी ओके. अगर आप जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो व्हाट इज योर बिगेस्ट एडवांटेज कि आपका जॉब जल्दी लगता है बिजनेस जो भी जल्दी करते हो तो वहां पे आपका फाइनेंशियल बेटा लॉस नहीं होता है. और क्या होता है ग्रेजुएशन के 3 साल करते उसके बाद में करेंगे तो वो 3 साल के अंदर किधर अगर कोई माइंडसेट ऐसा चेंज हो गया ऐसा लग गया अपने को नहीं करना है बराबर है ओके. बिकॉज सी ग्रेजुएशन एक है ना एक थोड़ा सा डल चेन है ओके. वेर इज इफ वी टॉक अबाउट द प्रोफेशनल कोर तो वो एक स्ट्रॉन्ग चेन है स्ट्रॉन्ग पिलर्स है ओके ठीक है. तो ये 12 के बाद जब आप करते हो तो उसमें 3 सेक्शन आते हैं 3 लेवल्स आते हैं. पहला आता है फाउंडेशन दूसरा आता है इंटरमीडिएट और तीसरा आता है फाइनल. फाउंडेशन जो है वो 12th के आपके 12th के 4 महीने में या तो 6 महीने के बाद बराबर 4 से 6 महीने में हो सकता है वो कोर्स बराबर. जैसे आपका मार्च में एग्जाम कंप्लीट हुआ तो मई में भी आप दे सकते हो एग्जाम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर बराबर है. मई में भी दे सकते हो और नवंबर में भी दे सकते हो. तो करीबन समझ लो ना कि 6-8 महीने में आपका वो एग्जाम आ जाता है. जल्दी चाहो तो जल्दी और लेट चाहो तो लेट ओके. अब ये आपका फाउंडेशन हो गया. फाउंडेशन के बाद 1 साल के बाद आपका इंटर का एग्जाम आता है और उसके 3 साल बाद आपका फाइनल का एग्जाम आता है. फाउंडेशन में टोटल एट प्रेजेंट 4 पेपर है 2 सब्जेक्टिव है और 2 ऑब्जेक्टिव है. इंटर में टोटल बेटा 8 पेपर है फाइनल में 8 पेपर है. 8 पेपर 2 ग्रुप में डिवाइड हुआ है 4 इन फर्स्ट ग्रुप 4 इन सेकेंड ग्रुप एंड सेम इन द फाइनल. यहाँ पे बेटा पासिंग जो होता है वो 50% होता है इट नॉट 35 and 40 प्रोफेशनल बींग एन प्रोफेशनल एग्जाम ओके. तो 50% इज अ पासिंग ट्रूली स्पीकिंग. इफ यू वर्क हार्ड तो एग्जाम आराम से आप पास कर सकते हो विद द ट्रू गाइडेंस ऑफ द क्लासेस विद द यू नो प्रॉपर नॉलेज आपका कंटिन्यूस रीडिंग ओके कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी फाउंडेशन में आपको इजीली पास करवा देती है ओके. और वही कॉन्फिडेंस इंटर और फाइनल में भी काम लगता है. व्हेन यू पास इवन इंटर देन तो फाइनल में वो कॉन्फिडेंस लेके जाते हो फाइनल भी पास कर सकते हो ठीक है. एक 2-4 अटेम्प्ट अगर बेटा बढ़ भी जाता है तो प्रॉब्लम क्या है 22 की एज में सीए नहीं बनके 24 में बनेंगे. लेकिन एक बार बन गए तो लाइफ सिक्योर्ड हो जाती है अर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अंडरस्टैंड ओके. नाउ इंडिविजुअल बेटा सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो 40% लाना पड़ता है और वापस से मैं बोल रहा हूं एग्रीगेट 50% लाना पड़ता है ठीक है ओके. 3 साल की आपको ट्रेनिंग भी आती है. 3 साल की आपको ट्रेनिंग आती है ट्रेनिंग 3 इयर्स देर इज अ ट्रेनिंग ऑफ हाउ मेनी इयर्स 3 इयर्स आर्टिकलशिप बोलते हैं उसको. और वहां पे भी आपको एक स्ट्राइपन दी जाती है. सीए अपना पर्सनल ऑफिस भी ओपन कर सकता है बराबर ओके. उसके बाद वो जॉब भी कर सकता है ओके. बड़ा सा कोई फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बिजनेस कर सकता है बैंकिंग में शेयर मार्केट में स्टॉक मार्केट कमोडिटी मार्केट एनी मार्केट इंश्योरेंस सेक्टर में हर जगह पे जा सकते हैं. इवन इन एजुकेशन फील्ड भी जा सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे भी जा सकते हैं. तो वन ऑफ द पावरफुल डिग्री वन ऑफ द प्रीमियर डिग्री इन द कंट्री वेरी 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 स्ट्रॉन्ग डिग्री ओके. कोई भी बच्चा कर सकता है. बेस्ट डिग्री ऑफ द कॉमर्स इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ठीक है. और मोर डिटेल्स हम आपको देंगे अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो उसके रिलेटेड. नाउ कम टू सीएमए सीएमए बेटा सीएमए को है ना पहले हम लोग सीडब्ल्यूए बोलते थे. सीएमए स्टैंड्स फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो पहले था कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट. इंडिया में सीएमए कौन करवाता है इंडिया में सीएमए करवाता है आईसीएमएआई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. अगर आपको कॉस्टिंग में फ्यूचर बनाना है मैनेजमेंट अकाउंट में फ्यूचर बनाना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फ्यूचर बनाना है कॉस्टिंग इज द बेस्ट. कॉस्ट अकाउंटेंट इज अ बेस्ट कोर्स. आपको बात बता दूं कॉस्ट अकाउंटेंट का जो ये कोर्स है बेटा इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल कोर्स ओके. बिकॉज सी जैसे कि मैंने पहले भी बताया अकाउंटेंसी बराबर है ब्रांचेस ऑफ अकाउंट 3 है फाइनेंशियल अकाउंट कॉस्ट अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंट. फाइनेंशियल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट मैनेजमेंट अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ
cost accountant. Understand? That is why the institute name is ICMAI, Institute of Cost and Management Accountant. इंडिया में एट प्रेजेंट बेटा डेढ़ साल के अंदर करीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत है अपने कंट्री को. अंडरस्टैंड, दिस इज द पावरफुल कोर्स. ओके, वो भी सेम है. देखो बेटा स्ट्रक्चर सेम है, मैं सेम बताऊंगा. स्ट्रक्चर 12th के बाद भी हो सकता है, यू कैन डू आफ्टर TY ऑल्सो. बेटर टू डू आफ्टर 12th के बाद करना ज्यादा बेटर होगा. इसमें भी वही है, फाउंडेशन 4 पेपर्स, इंटर 8 पेपर्स, फाइनल 8 पेपर्स. आपका फाउंडेशन जो है 12th के बाद 6-8 महीने में दिसंबर में आ जाएगा. उसके 1 साल बाद आपका इंटर का एग्जाम आएगा. उसके बाद 15 महीने का एक ट्रेनिंग है और उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम आ जाएगा. तो इसी तरीके से CA जो है उससे भी ये जल्दी होता है. ये 15 महीने का ट्रेनिंग अभी से हो गया, जो पहले कम ट्रेनिंग हुआ करता था. तो क्या होता था पहले, इवन बिफोर ग्रेजुएशन भी आप CA में बन सकते हो. मतलब एट द एज ऑफ 21 यू आर कॉस्ट अकाउंटेंट इन द मार्केट. पीपल लोग 10-15 हजार की सैलरी लेंगे और आप होंगे 50-80,000 की सैलरी के स्लैब में. अंडरस्टैंड, दिस इज द पावर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट. ओके, नाउ यहां भी वही है, पासिंग 50% है. इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40% चाहिए. फाउंडेशन में 4 पेपर जो है, और चारों चार यहाँ पे कैसे पेपर है बेटा, चारों चार ऑब्जेक्टिव नहीं है. ये चारों चार कैसे सब्जेक्टिव है. CA फाउंडेशन में 2 सब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव था. यहाँ पे सहा ऑब्जेक्टिव अंदर आता है, बट यू कैन नॉट से कि पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है. अंडरस्टैंड, ओके. और फाउंडेशन करने का बेनिफिट क्या होता है, 11th 12th का जो नॉलेज है वही नॉलेज प्लस समथिंग एक्स्ट्रा भी चलेंगे, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ाई बराबर से करेंगे, यू कैन पास फाउंडेशन वेरी इजीली. आपका डेडिकेशन जो है प्रॉपर रहेगा. इंटर भी यू फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास कर सकते हो, और फाइनल में थोड़ा आपको टफ पड़ता है, बट योर कॉन्फिडेंस, योर कंसिस्टेंसी, योर परसिस्टेंसी वो भी इजी कर देता है. एंड फाइनली यू आर डिक्लेयर्ड एज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. ओके, अब ये क्या कर सकता है, अपनी पर्सनल ऑफिस खोल सकता है. बड़ी कंपनियों में बहुत बड़े पोजीशन पे, परचेज मैनेजर की पोजीशन पे, कॉस्ट कंट्रोलर मैनेजर की पोजीशन पे, फैक्ट्री मैनेजर की पोजीशन पे पहुंच सकता है. कॉस्ट अकाउंटेंट का मेन काम क्या होता है, कंपनी के रिसोर्स को बचाना, बराबर है, कंपनी के फंड को बचाना. ओके, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना. ये क्या करता है, इसका मेन काम यही है. अंडरस्टैंड, इसका मेन काम यही है. ओके, तो दे सेव द मनी ऑफ कंपनी. कंपनी के पैसे बचाता है और कंपनी बाद में क्या करती है, उनको ग्रोथ कराती है. ओके, दैट इज व्हाई द कॉस्ट अकाउंटेंट गेट अ गुड अमाउंट ऑन अ गुड पैकेज. सैलरी भी अच्छा होता है. और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जितना बढ़ रहा है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, बराबर जो भी मैन्युफैक्चर करते सर्विसेज हो के प्रोडक्शन हो, गुड्स हो, बराबर उन सभी लोगों को कॉस्ट अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है. और आज की तारीख में बहुत ही बढ़िया कोर्स है, वेरी पावरफुल डिग्री. ओके, और ये CA इंस्टीट्यूट से भी जुना इंस्टीट्यूट है और इसका हेड ऑफिस है कोलकाता में. ओके, तो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रीमियर डिग्री इन द कॉमर्स सेक्शन. वेरी पावरफुल डिग्री एंड वेरी ऑसम ऑसम फ्यूचर. ओके, थेराफ्टर CS आता है, कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी कोर्स इंडिया में करवाता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. दिस इज ऑल्सो पावरफुल डिग्री. इंस्टीट्यूट इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन द कंट्री. बेस्ट कोर्स, ऑसम डिग्री. ओके, इसमें भी बेटा वही है, फाउंडेशन है, इंटर है, फाइनल है. लेकिन आप इसको क्या बोलते हो, आप फाउंडेशन बोलते हो. और नया भी एक इसमें प्रोग्राम आया हुआ है CSEET. ओके, और उसके बाद इंटर को हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल एंड देन एग्जीक्यूटिव. ठीक है, ओके. सो गाइज, इसमें भी वही है. हाँ, बट CS इज ऑल अबाउट मेजर सब्जेक्ट जो आपका आएगा बेटा, यहाँ पे लॉ आएगा, लेजिस्लेशन, दैट इज यू नो कायदा और कानून. ओके, कंपनी के अंदर जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. ओके, गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस है, वो सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन को एक कंपनी के अंदर मेंटेन करने का काम किसका है, कंपनी सेक्रेटरीशिप का है. बराबर है, कंपनी सेक्रेटरी का है. और यहाँ पे भी वही होगा, सब्जेक्ट वाइज अगर जाएंगे तो ओके,
यहाँ पे बेटा थियरी सब्जेक्ट जो है वो आपका ज्यादा आएगा, थियरी बेस इज मोर, और थियरी में सबसे अगर कोई ज्यादा सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा, तो वो आपको लॉ आएगा जैसे मैंने बताया। ओके, कंपनी सेक्रेटरी भी वही है, बहुत बड़ी कंपनियों में बहुत बहुत ऊंची पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे काम कर सकते हैं, वो कंपनी का हार्ट होते हैं। ओके, पब्लिक रिलेशन के अंदर भी कोई भी लीगल कम्युनिकेशन करना है तो वो कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी करेगा। ये भी आप 12 के बाद कर सकते हैं, टीवाई के बाद कर सकते हैं, बेटर है आप 12 के बाद करें। ओके, और ये करने के बाद भी फ्यूचर बहुत ही औसम है। ओके, मेहनत है लेकिन मेहनत का सामने वर्थ भी है, ठीक है। ओके, पिछले 2-3 सालों में इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं सिलेबस में। अगर किसी को CS के रिलेटेड भी कोई भी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। उसके बाद बेटा और एक कोर्स है CFA, एट प्रेजेंट हम CFA के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो भी अच्छा डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है। ओके, लेकिन अगर मुझे कोई पूछे तो पहला जो 3 डिग्री है CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, नंबर 2 CS CMA और नंबर 3 CS, नंबर 1 CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, नंबर 2 CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एंड नंबर 3 CS कंपनी सेक्रेटरी। दे आर द पावरफुल 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 डिग्री। कॉमर्स की ये शान है, बराबर है, कॉमर्स की जान है। ओके, तो कोई डाउट नहीं है इसके अंदर कि कॉमर्स के अंदर जो पावर है वो इन डिग्रियों की वजह से, और वो जबरदस्त पावर है, सॉलिड पावर है, ग्रेट अर्निंग पोटेंशियलिटी है। ये कोर्स करके बेटा सबसे बड़ा चीज आपको क्या मिलता है, सबसे बड़ा चीज अर्निंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके, उसके बाद आपको समाज में रिस्पेक्ट मिलता है, रिकग्निशन मिलता है। ओके, सोसाइटी में एक अच्छा सा स्टेटस मिलता है, आपकी कंपनी के अंदर एक रिस्पेक्टेड पोजीशन मिलती है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो अभी आप इतना तो समझ सकते हो कि ग्रेजुएशन करके क्या बेनिफिट है और प्रोफेशनल करके आप कहां तक जा सकते हो। अंडरस्टैंड गाइस? ओके ओके गाइस, तो मुझे आपको खाली इतना ही बताना है कि एक कॉमर्स हैज अ पावर, कॉमर्स हैज अ स्ट्रॉन्ग पावर, कॉमर्स हैज अ अर्निंग पोटेंशियल ऑल्सो, ग्रेट अर्निंग पोटेंशियल, कॉमर्स हैज अ ग्रेट रिकग्निशन ऑल्सो। ओके, कॉमर्स हर जगह पे आपको मिलेगा। ओके, एंड हिस्ट्री भी है कि कॉमर्स हैज प्रोड्यूस अनलिमिटेड अनकाउंटेड प्रोफेशनल्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स अगर किसी ने पैदा किए हैं तो वो कॉमर्स है। ओके, तो मुझे आपको यही बताना। दूसरा एक एडवांटेज कॉमर्स का, सबसे बड़ा एडवांटेज स्टडी के रिलेटेड अगर बात करो तो एडवांटेज है कि आपको पागलों की तरह पढ़ना नहीं होता है। जस्ट 2-3 आवर्स, अगर आप प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो 2-3 आवर्स अगर परफेक्टली दे दिया एक दिन का रेगुलर स्टडी में दे दिया, तो मैंने जो बताया बेटा वो CA हो, CMA हो या CS हो या CFA हो, इजीली यू कैन डू इट। अंडरस्टैंड, जब कोई बच्चा व्हेनेवर एनी स्टूडेंट जब वो कॉमर्स लेता है ना बेटा, तो उसका पहला ड्रीम होता है कि मुझे कॉमर्स में प्रोफेशनल बनना है। अगर आपको MBA भी करना है, आपका जो ड्रीम है, समझ लो किसी का ड्रीम है MBA करना है, तो बेटा वो MBA ग्रेजुएशन के बाद होएगा, लेकिन इतना पावरफुल डिग्री जो कॉमर्स का है वो 12th के बाद होता है। और MBA जब आप करेंगे तो उसका खर्चा भी कितना होगा, इस एक्सपेंडिचर इज वेरी हाई। चलो अगली 2 मिनट में मैं आपको प्रूव करने वाला हूँ, जस्ट विद इन 2 मिनट्स, कि कॉमर्स की ये पावरफुल डिग्री जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली फ्री है। मैं प्रूव करने वाला हूँ 2 मिनट के अंदर, बराबर है, 2 मिनट के अंदर प्रूव करूंगा कि कॉमर्स का ये डिग्री एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेनली CA और CMA। चलो देखते हैं, अगर आप CA करते हो तो आपको 3 रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, CMA करते हो तो भी 3 रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट के साथ करना पड़ता है, फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन, इंटर का रजिस्ट्रेशन, फाइनल का रजिस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद आपको जो थोड़ा बुक्स भी लेना पड़ेगा, आपको समझ लो क्लासेस करना पड़ेगा, बराबर है, प्राइवेट कोचिंग लेना पड़ेगा, ये सबका मिलके एट प्रेजेंट आज की तारीख में खर्चा बेटा 3 से 3.5 लाख का खर्चा है इसका, 3-3.5 लाख, बराबर है, 3 से 3.5 लाख का खर्चा है
जो कि सच में बोले तो प्रोफेशनल डिग्री के सामने ये बहुत कम खर्चा है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये टोटल फ्री कैसे हो जाता है, जब आप CA करते हो CA तो आपको 3 साल का आर्टिकलशिप आता है, ट्रेनिंग आता है, और जब आप आर्टिकलशिप करते हो तो वहां पे भी आपको स्ट्राइपन मिलती है मिनिमम एट प्रेजेंट, आज की तारीख में 5 से 7 हजार मिनिमम है, बराबर है, और अच्छी जगह पे बड़ी जगह पे करेंगे तो 12-15 हजार और 20 हजार तक भी वो स्ट्राइपन मिल जाती है, एक एवरेज भी पकड़ेंगे तो आपका बहुत सारा खर्चा रिकवर हो जाता है जो आपने पेड किया हुआ इंस्टीट्यूट को और क्लासेस को। दूसरा एक बेनिफिट क्या होता है आपको पता है, दूसरा एक बेनिफिट आपको होता है कि जब आप इसके क्लासेस करते हो तो ग्रेजुएशन में आप बैफ करो या बीकॉम करो, इसके क्लासेस करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे भी आपका 50,000 से करीबन 80-90,000 या 1 लाख तक आपका ये सेव हो जाता है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ के बोलूं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये दोनों डिग्री जो है कॉमर्स का, इवन सेम विद द CMA, CMA का भी वही है 3 लाख का खर्चा एट प्रेजेंट है, उसका भी 15 महीने का ट्रेनिंग है, वहां पे भी एक अच्छा खासा स्टाइपन सैलरी मिल जाता है। फाइनली मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप ये दोनों डिग्री पकड़े तो 3 लाख 3.5 लाख जो आप खर्चा एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कर रहे हो वो पूरा का पूरा आपको रिकवर हो जाता है। है डिग्री कोई ऐसी कि जिसमें पावरफुल डिग्री कि जिसके अंदर इतना पावरफुल भी हो जितना पावर भी हो और फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती हो, ऐसा कोई डिग्री नहीं है। डॉक्टर का डॉक्टरी करने जाएंगे, डॉक्टर बनने जाएंगे, मेडिकल का लाइन करके साइंस लेके, तो वहां पे आपको पता है लाखों का खर्चा, और कंफर्म भी नहीं है कि डॉक्टर बने कि नहीं बने, अंडरस्टैंड 50 लाख से 1 करोड़ तक का खर्चा इंजीनियर डिग्री के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि प्रोफेशनल में काउंटिंग होना बंद हो चुका है। ओके, तो दैट इज वाई द कॉमर्स इज द बेस्ट एट प्रेजेंट। ओके, आज की तारीख में क्या सबसे बेस्ट है, दैट आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। ओके, सी इट्स डिपेंड अपॉन यू वेदर व्हाट यू टेक, बट राइट क्या है वो बताना हमारा काम है, अंडरस्टैंड। ओके, अब आप कॉमर्स लेते हो तो 11 से लेके CA फाइनल तक या CMA फाइनल तक आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या आते हैं, जैसे विजय सर ने भी आपको बताया अकाउंटिंग दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, मैथ्स आता है, इकोनॉमिक्स आता है, OC SP इंग्लिश अदर लैंग्वेज, और जब आप प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको सीखने को मिलते हैं, ऑसम सब्जेक्ट है, जबरदस्त से पावरफुल डिग्रीज है। ओके, और समाज में जबरदस्त रिकॉग्निशन भी है। ओके, नाउ विजन एकेडमी ऑफ कॉमर्स मलाड ईस्ट, हमारा सबसे बड़ा बेटा मिशन है हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोफेशनल क्रिएट करना। ऑलरेडी वी हैव चेंज्ड मोर देन 11,000 एजुकेशन लाइव्स एंड वी आर ऑन अ मोड टू चेंज मेनी मोर। ओके, हम वही राह पे है, मैक्सिमम लोगों का हम लोग लाइफ चेंज करने की राह पे। ठीक है, ओके, तो हम लोग बेटा FYJC से TYBCOM तक करवाते हैं, इवन इन BAF ऑल्सो FYBAF टू TYBAF, BMS, BBI, BFM, ओके, एंड इन अ प्रोफेशनल डिवीजन जो हमारी सेपरेट टीम है वहां पे हम CA, CMA और CA सब करवाते हैं, और CA फाउंडेशन एंड इंटर वी आर डूइंग, CMA उसके अंदर फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, और CS उसमें फाउंडेशन और एक नया प्रोग्राम CSEET करवाते हैं। अगर आपको एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, मैंने जो बताया उसके बारे में आपको और भी नॉलेज चाहिए तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है हमारे, वो नंबर पे आप कॉन्टेक्ट बेटा कभी भी कर सकते हो। विजन एकेडमी इज ऑलवेज फॉर द स्टूडेंट, वी आर ऑलवेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट, अंडरस्टैंड। यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट एनी टाइम एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ओके, तो नॉलेज लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, बहुत आगे बढ़ो लाइफ में, प्रोफेशनल बनो, अपनी फैमिली का, देश का, सबका नाम ऊंचा करो। ओके, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय, गुड बाय फॉर नाउ, बाय बेटा, बाय। इन द लास्ट वी वुड सजेस्ट टू एवरी स्टूडेंट, आज वेबिनार में हम जिस जिन चीजों का डिस्कस किया है उस पर आप ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करिए, आपके डिसीजंस को फाइनलाइज कीजिए, एंड आपको आपके इंटरेस्ट के साथ वो भी देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, इवन आप किन किन चीजों में बेस्ट हो। बट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कंफ्यूज होते हो, आपको फील होता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम, वी एट विजन एकेडमी वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। You can contact us
And thank you all parents and students for attending today's webinar. And we also hope in the future, stay home, stay safe, take care. Goodbye everyone.